सभी का स्वागत है एक मेरे प्यारे से व्लॉग में। तो आज का टॉपिक है अपना माइलेज। मेरी बाइक मुझे आराम से 65 का माइलेज दे रही है ऑन एग्जॉस्ट, सब कुछ बताऊंगा भाई। इन स्टॉक देती है मुझे 45 to 50 ऐसा ही देती है कुछ, बट आफ्टर एग्जॉस्ट ज़्यादा देती है। ये तो मेरे चैनल पे प्रूफ हो चुका है, जाके आप चेक कर लेना। आज का मौसम बढ़िया एकदम राइड के लिए। मैं बाइक में लगा SC प्रोजेक्ट और चप्पल देख रहे हो, ये मैं अर्जेंट मतलब क्या बोलूँ यार, पूरा दिन ढहलने पर होता है तब जाके मुझे याद आता है कि अपना एक व्लॉग रहा है बनाने का। अपने चैनल पे चल रहा है 100 days 100 vlogs और मैंने फ्यूल डालना फिर से भूल गया, हद तेरी की। इधर कहाँ आ रहे हो बाबू भैया? ओहो ईगो हट हुआ है। बड़ी तगड़ी पावर यार इसमें तो। वो 150 पे चल रहा है बंदा, मैं 136 पे चल रहा हूँ। CC चेसिंग 1300 CC, मतलब पूरी एक हवा उजा को चेस कर रहा हूँ मैं 155 CC पे। गाइस आज का जो टॉपिक है इसमें मतलब इतने सारे पॉइंट्स है, बट मैं आपको 5 टिप्स ही बताऊंगा। वैसे तो टोटल 20 to 25 टिप्स है, मैं 20 टिप्स जो कि पूरे जेन्युइन हो गए और आपके काम के भी हो गए, और आप ख्याल भी रखना इस चीज़ का। अगर आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है तो ये वीडियो पूरा देख के जाना, आपकी बाइक देगी भाई, उसको देना ही पड़ेगा माइलेज। पॉइंट नंबर 1 आता है कि भाई आपके बाइक में का फ्यूल, जो फ्यूल है वो फ्यूल इंजेक्टर से मतलब उसके लेवल में होना चाहिए। मतलब अब ये कैसा समझाऊँ मैं आपको, जो इंटेक लेवल होता है जहाँ से वो कंज्यूम करता है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो रिजर्व पॉइंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी ये बाइक रिजर्व है तो कम माइलेज देगी। अभी मैं जाते हुए डलवा दूंगा 500-600 का, ज़्यादा नहीं डाल सकता भाई मैं, और मैं डालूंगा भी नहीं। 500-600 का डाल दिया, हफ्ता भर चल जा, हफ्ते से भी ज़्यादा चलता है अगर ज़्यादा फ्यूल हो, क्योंकि अपना जो फ्यूल का ये होता है इंजेक्टर वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका इंजन ऑयल, जो कि अगर लिमिट में हो तो बहुत बेहतरीन है, वरना मोए मोए हो जाएगा, क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो आपकी बॉडी का ब्लड है भाई। अगर ब्लड ही ना हो तो क्या गम का, अब कितना भी पानी पियो कितना भी कुछ करो बट कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा जो ऑयल लिमिट है वो बार बार चेक किया करो, हफ्ते में या तो 3-4 दिनों में अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो। तो इसमें होता क्या है कि जब ऑयल जलता है पूरा ब्लैक हो जाए, या वो ऑयल उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो डार्क या तो ब्लैक हो जाता है जिसे कि हम ख़राब बोलते हैं, वो बार बार चेक किया करो। और लिमिट भी आप ज़्यादा रेफ या तो ज़्यादा हाई RPM पे चलाते हो वो मैं आगे बताऊंगा उससे भी क्या क्या डिफ़ॉल्ट होता है, बट आप ऑयल का भी ख्याल रखना कि कितना लिमिट है, कितना होना चाहिए। हर बाइक का अलग अलग होता है, किसी में 1 लीटर होता है तो किसी में 1.2 तो किसी में 1.5, ऐसे ही होता है ज़्यादा, जैसे सीसी होती है वैसे ऑयल लिमिट होती है। अभी मेरी नज़र गई भाई इंजन, ये इंजन का कुछ तो दिखा रहा है, क्या है देखना पड़ेगा। आई थिंक सो डिफ़ॉल्ट हुआ है कुछ तो, या तो कोई तो प्रॉब्लम होगा इंजन साइड में। शोरूम जाके मैं ये दिखा दूंगा, इधर इंजन का सिंबल दिखा रहा है, ये जैसा ही दिखाए शोरूम पे दिखा देना आप, जैसे मैं दिखाने जाऊंगा अभी। पॉइंट नंबर 3 है जो कि आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बहुत ज़रूरी है, जितना गंदा एयर फिल्टर होगा उतना ही कम परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। तो एयर फिल्टर पर भी एक ख्याल रखना कि साफ़ हो, टाइम टू टाइम चेंज हो, जिससे कि एयर इनटेक प्रॉपर हो पाए। 4th नंबर है ऑयल फिल्टर। बहुत से बंदे तो ऑयल डाल देता है बट ये ऑयल फिल्टर डालना भूल जाता है, वो भी एक चेंज किया करो, जैसे ही आप ऑयल चेंज करो वो भी चेंज कर देना। अभी पॉइंट नंबर 5 आखिरी का, मतलब आखिरी का बोले तो बहुत पॉइंट्स है तो भी मैं एक आध ज़्यादा बता दूंगा, तो आखिरी तक ज़रूर देखो वीडियो। आप ट्रैफिक वगैरह अवॉइड कर दो, ट्रैफिक में जैसे ही जाओगे आपको बार बार गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगी। सो गाइस पॉइंट नंबर 5 है आपका चलाना, मतलब आप कैसे गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हो, लाइक गियर शिफ्टिंग और चलाना दोनों एक ही इसमें मैं कंबाइन कर रहा हूँ। गाइस सब कुछ आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। कुछ छपरी होते हैं जो कि भूंग 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 यू नो गाइस उसके ऐसा, तो वैसा करोगे तो माइलेज कम ही देगा वो, मतलब अम्मा बहन तुम एक कर रहे हो उसकी, तो
तो माइलेज कम ही मिलेगा। अभी मुझे टेंशन आ रहा है कि ये सिंबल क्यों दिखा रहा है, जब से मैंने एकरा लगाया था वो एकरा भाई इतना दलिंदर एकरा है, मैं अब से किसी का भी एग्जॉस्ट नहीं लूँगा। ये जो एससी प्रोजेक्ट देख रहा हो ये मेरे दोस्त का है, मैं ये उसको वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए भाई। मतलब एग्जॉस्ट का पूरा नशा ही उतर गया मेरा, ऐसा लग रहा है वो एकरा की वजह से। वो एकरा सुटेबल नहीं था, क्रैश हेड था, पर यू नो कि खुले दिल से नहीं दिया गया था सच बोले तो। ये तो मेरे पर्सनल के किस्से है, ये तो साइड में ही रहने दो, मेरे ज़िंदगी में दुख ही दुख है। पॉइंट नंबर 5 यही था भाई कि तुम्हारे चलाने के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। जैसे ही आप ज़्यादा हाई आरपीएम वगैरह या तो 2-3 घेर पे तुम टॉप एंड लगाने का सोच रहे हो और टाइम टू टाइम घेर शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम होगी। ये देखो, और एक चीज़ भाई, वेट, ये एक मसला है वेट। अच्छा वो बंदों ने याद दिलाया वेट। जैसे ही आप ज़्यादा वेट डालोगे कम माइलेज देगा, ये तो सबको पता ही है, सबने ही स्कूल वगैरह तो पढ़ा ही है, बट तो भी मैं बता दूँ, जैसे ही आप ज़्यादा वेट करोगे या तो ट्रिपलिंग या तो कोई हेवी बंदा होगा, मेरा वेट है 64 तो मुझे कुछ इतना लगता नहीं है, प्रॉपर माइलेज दे रही है, बाइक के लिए भी सुटेबल है। हर एक बाइक की लिमिट होती है। अभी हमारे इधर कुछ छपरी लोग हैं जो कि अरुण 5 पे 3-4 बैठते हैं, मतलब 3 तो बैठ ही जाते हैं, चौथा कैसे बिठाते हैं वो उनको ही पता है भाई। पीछे का जो टेल टाइड है या तो वो टेल लाइट है वो कैसी नहीं टूटती वो भी नहीं पता। बिल्ड क्वालिटी, यू नो बिल्ड क्वालिटी हाथ से साथ दे रही है उन्हें, हमें तो नहीं देती। जुड़े रहना चैनल पे जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट आ जाए। 2-3 वीडियो है बीच में जो कि ग्लव्स पे, राइडिंग गियर्स पे, ऐसे ही मतलब जो यूज़फुल है कंटेंट उस पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, ऐसे फालतू का नहीं। और अगर आपको बनी रिएक्शन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना कि क्या किया जाए। सो चलो आज का व्लॉग इधर ही खत्म करता है। आई होप आप सभी को प्यारा लगा होगा, अगर प्यारा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब आपके ऊपर है, अगर करना है तो ज़रूर करना, डोंट होल्ड इट बैक। अगर आपका दिल करता है करना चाहिए तो कर दो, ऐसे मतलब यार कर दो यार, मैं तो मतलब ऐसा लगता है कि करना चाहिए, अगर आपका दिल कर रहा है क्यों होल्ड करना नहीं है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब मुझे मिल जाएगा, मैं भी थोड़ा सा खुशी होगी कि भाई अपने को मतलब इतने तक काउंट्स बढ़ रहे हैं, अपनी उम्मीद बढ़ रही है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइब कमेंट शेयर वगैरह करता है, लाइक भी करता है, तो मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई तो कर और कर, अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इतना प्यार है तो और भी होगा। और मुझे पूरा एक साल हुआ, एक साल होने के बाद मेरे 1K हुआ है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी तब, इसमें नसीब ने थोड़ा भी साथ नहीं दिया और मैं आगे भी मतलब नसीब के ऊपर नहीं रहूँगा भाई। नसीब की चीज़ सही है नहीं, मेहनत की चीज़ों में जो मज़ा है वो नसीब की चीज़ों में नहीं है। तो चलो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।